नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपूत और स्वागत है आपके अपने चैनल विपुल एजुकेशन में। दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती 2020 में लेवल फर्स्ट के पर्यावरण अध्ययन से जो हम कक्षा 3, 4, 5 की बुक से टॉपिक कर रहे थे, वो टॉपिक चल रहा था आवास, और आवास के जो है 3 पार्ट हमने अपलोड कर दिए, यानी 3 पार्ट इससे पहले कक्षा 3 की बुक से, और 4 की बुक से भी 2 पार्ट हमने पढ़ ली हैं, और कक्षा 4 की बुक से एक और पार्ट है जो कि स्वच्छता से संबंधित है। तो दोस्तों, इससे पहले जितने भी अपलोडेड वीडियो हैं वो आपको रीट EVS नाम की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। तो देखो दोस्तों, पाठ का नाम है स्वच्छ घर है, स्वच्छ गाँव, स्वच्छ घर। मालती स्कूल से आकर अपना बस्ता, जूते, कपड़े इत्यादि फैलाकर बैठ गई। उसकी माँ ने उसे समझाया कि बेटी, अपना सामान व्यवस्थित रखना चाहिए, इससे चीज़ें ढूंढने में समय भी ख़राब नहीं होता और मन भी खुश रहता है, और ये आदत बन जाए तो सफाई स्वतः हो जाती है। यानी आपको पता है कि आप जो भी अपने घर पर जाते हो तो बस्ते, जूते, कपड़े आदि, उनको सबको व्यवस्थित रखना चाहिए। एक तो ये बिखरा हुआ कमरा है और एक ये व्यवस्थित कमरा है। स्वच्छ गांव, मालती ने देखा कि आजकल टीवी, अखबार, रेडियो आदि ने स्वच्छ भारत मिशन को लेकर साफ सफाई बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन मेरा घर तो हमेशा साफ रहता है। उसका ध्यान गया कि सभी नेता, अधिकारी, समाजसेवक, आम लोग अपने घर के साथ साथ गांव के सार्वजनिक स्थानों, गलियों, सड़कों आदि की साफ सफाई के लिए भी आगे आ रहे हैं। सफाई क्यों? मालती ने अपनी दीदी के साथ मिलकर दोस्तों की टीम बनाई, वे घर घर जाकर लोगों को साफ सफाई रखने, शौचालय बनाने के लिए प्रेरित करने लगी। उन्होंने सबको समझाया कि घर में कचरा पत्र यानी डस्टबिन रखें, उसमें ही कचरा डालें। अपने घर का कचरा गली में डालने से गली गंदी होती है, ऐसे पूरा गांव गंदा होता है, गंदी से बीमारियाँ फैलती है। कचरा पत्र कचरा नियत स्थान पर डालें। खाने पीने की चीज़ों को प्लास्टिक की थैली में डालकर फेंकने से पशु उस प्लास्टिक की थैली खा जाते हैं और बीमार हो जाते हैं, अतः हमें खाने पीने की चीज़ों को प्लास्टिक की थैली में नहीं फेंकना चाहिए। साफ सफाई रहने से मन भी प्रसन्न रहता है। कचरा निस्तारण, मालती के मित्रों ने उन चीज़ों को एक सूची बनाई जो कचरे में फेंके जाते हैं, और फिर उस सूची को अलग अलग हिस्सों में बांटा। जानवरों को खिलाने लायक चीज़ें जैसे सब्जी के छिलके, बचा हुआ खाना आदि, वह चीज़ जिसे कपड़े खरीद लेते हैं, टूटे नल, पाइप, गत्ते आदि, दोबारा उपयोग में लाए जाने वस्तु, खाली बोतलें, अखबार, पुराने कपड़े आदि, बचा हुआ बेकार कचरा, प्लास्टिक की थैलियाँ, टूटे कप, प्लेट आदि। इस सूची के साथ ही सबने कचरे का निपटारा कैसे किया। प्लास्टिक का उपयोग कम हो, मालती ने एक बार घर पढ़ा था कि खाने की चीज़ों के साथ प्लास्टिक बैग में निकलने से गायें बीमार होती हैं और नालियाँ अवरुद्ध हो जाती हैं। मालती प्लास्टिक को जलाना चाहती थी, लेकिन उसकी दीदी ने कहा कि जलाने से धुएं निकलेगा, वह भी हानिकारक, इसे जलाने से फेंकने में जा सकता, ऐसे हानिकारक, इसका उपयोग बंद कर देना चाहिए। मालती सोच रही है प्लास्टिक का उपयोग कैसे कम हो। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का पाठ। उम्मीद करता हूँ आपका पाठ पसंद आएगा, और कक्षा 4 की बुक से जो भी पाठ है हमारे वो हो चुके हैं आवास को लेकर कंप्लीट। अब हम जो है कक्षा 5 की बुक से जो 1-2 सामग्री वाले पार्ट हैं वो पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह था आज का वीडियो। पसंद आई वीडियो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाओ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।